ये पूरा साल बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा टफ रहा है। इस पूरे साल को बॉलीवुड फिल्म्स के लिए ड्राई स्पेल माना गया, लेकिन जैसे ही ये साल धीरे धीरे मिडिल तक पहुंचा, वैसे ही भूल भुलैया रिलीज हुई। भूल भुलैया वो पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के ड्राई स्पेल को खत्म किया। फिर उसके बाद लगातार चाहे जुग जुग जियो हो या फिर ब्रह्मास्त्र हो, ये सिलसिला जो है अच्छी फिल्मों का चलता चला जा रहा है। हाल ही में इस हफ्ते यानी कि कल के दिन, कल फ्राइडे था और कल के दिन रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में, विक्रम वेधा जिसमें कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ वॉर करते नजर आएंगे। बहुत ही ज्यादा मच एंटिसिपेटेड फिल्म थी ये। और उसके बाद इस बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई कल के दिन पोनियन सेल्वन। जी हाँ, 4 साल बाद ऐश्वर्या राय बच्चन बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं और उनसे रिलेटेड हर फैन चाहता था कि ऐश्वर्या की ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हो। आई थिंक सभी फैंस की दुआएं रंग लाई हैं क्योंकि इन दोनों फिल्म्स में से पोनियन सेल्वन ने बाजी मार ली है बॉक्स ऑफिस पर। चलिए आपको बताते हैं कि कल के दिन पहले दिन इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर इन दोनों ही फिल्म का बज काफी ज्यादा था। हालांकि टीम ने यानी कि मणिरत्नम सर की टीम ने पोनियन सेल्वन को प्रमोट करने के लिए, PS1 को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लिए। इस फिल्म को इंडिया के कई सारे स्टेट्स में, कई सारी सिटीज में प्रमोट किया गया, लेकिन मेजॉरिटी के साथ इस फिल्म को साउथ में प्रमोट किया गया। जी हाँ, आजकल साउथ फिल्मों का बहुत चलन हो गया है, बॉलीवुड कम और लोग टॉलीवुड ज्यादा देख रहे हैं, जिसके वजह से बॉलीवुड के मेकर्स ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि अपनी फिल्मों को ले जाकर साउथ में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि पोनियन सेल्वन जो कि 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी, जी हाँ, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम एंड कन्नड़ा, इन 5 भाषाओं में पोनियन सेल्वन रिलीज हुई और पहले ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का बम्पर बिजनेस किया है, जो कि किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। इसके पहले ब्रह्मास्त्र जब रिलीज हुई थी, इंडियन सिनेमा की ऐसी इकलौती फिल्म ब्रह्मास्त्र मानी जा रही है जिसने कि एक अच्छा खासा ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कमाया था, लेकिन पहले दिन पर फिर भी ब्रह्मास्त्र महज 30 करोड़ तक पहुंची थी। लेकिन ऐसा लगता है कि पोनियन सेल्वन ने पहले ही दिन पर ब्रह्मास्त्र को क्या कई सारी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 40 करोड़ का बिजनेस किया है। ऐश्वर्या राय की परफॉर्मेंस को, ऐश्वर्या राय को 4 साल बाद नंदिनी के तौर पर स्क्रीन पर देखकर फैंस बेहद खुश हैं। उसी के साथ साथ विक्रम वेधा जो कि क्राइम थ्रिलर फिल्म है, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस गैदर कर रही है। हालांकि जितना पोनियन सेल्वन ने किया है उतना ना सही, लेकिन इस फिल्म ने एक अच्छी खासी स्टार्ट ली है। जी हाँ, कल के दिन इस फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई की, जिसमें से 3 करोड़ इस फिल्म ने ऑलरेडी अपनी एडवांस बुकिंग से कमा लिए थे। वेल, जहां तक बात है इन दोनों फिल्मों की, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। एक तरफ विक्रम वेधा ने कमाए हैं 12 करोड़ और वहीं दूसरी तरफ पोनियन सेल्वन ने कमाए हैं 40 करोड़। डिफरेंस साफ है और विनर भी साफ है कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर जो दो बड़ी फिल्में क्लैश करी हैं, पोनियन सेल्वन इज क्लियरली द विनर। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर और इन दोनों फिल्मों में से आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।